आम नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है, मगर स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी सरकार की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के भ्रष्टाचारी के चलते लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल ताजा मामला मथुरा के एक सीएससी का है, जहां डिलीवरी के नाम पर लोगों से जमकर पैसे वसूले जा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रही स्वास्थ्य सेविका बलदेव सीएससी केंद्र पर तैनात चंद्रवर्ती है, जो डिलीवरी के नाम पर परिजनों से पैसे वसूल रही है। पैसों के साथ साथ मिठाई की डिमांड भी की जा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एक महिला स्वास्थ्य सेविका को 1100 रुपए देती है तो वो उसे नाकाफी बताकर वापस कर देती है, साथ ही और पैसे की मांग करने लगती है। तो वहीं दूसरी वीडियो में पैसे तो ले लेती है, साथ ही मिठाई की डिमांड भी करने लगती है। ये वीडियो स्वास्थ्य विभाग में सरकारी सेवाओं की प्राइवेट वसूली का जीता जागता उदाहरण है। बढ़िया सी मिठाई लेके आओ, कह रहा हूँ। बताया जा रहा है कि चंद्रवती नाम की स्टाफ नर्स संविदा पर महावन के किशनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है, जिसे बलदेव सीएचसी पर अटैच कर दिया गया है। ये अधिकतर रात्रि में यहाँ ड्यूटी करती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं जच्चा बच्चा को खतरा बताते हुए स्टाफ नर्स पहले उन्हें डराती और फिर प्राइवेट दवा का इलाज देकर उनसे वसूली करती है। इस वीडियो के विषय में जब सीएमओ मथुरा डॉक्टर ए के वर्मा से बात की गई तो पता चला कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी का कुछ पैसे का लेन देन कर रही है, कहाँ का मामला है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जाएगी? ये अभी नहीं पता, आप ही के माध्यम से मैंने देखने को मिली है ये वीडियो और आप ही द्वारा बताया गया बलदेव का है। मैंने MOIC से आप ही के सामने बात करी है। अगर ऐसा कोई प्रमाण मिलता है डॉक्टर बलदेव MOIC द्वारा बताया जाता है तो तुरंत उसकी सेवाएँ समाप्त करने में मुझे कोई भी हिच नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सरकारी सेवाओं से संबंध रहे। मुझे जांच करानी है, बहुत जल्दी ही इसमें जांच कराकर MOIC बलदेव की आज्ञा के अनुसार उस पर कार्रवाई में तुरंत कराऊंगा अगर सच पाया जाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो विभाग की छवि धूमिल करने वाली है? विभाग की छवि नहीं, ये मानवता के लिए बहुत शर्म की बात है। प्रसव इकाई पे जो आ रहे हैं, हम लोग सरकार, भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार है, प्रसव इकाइयों के लिए ही सारा का सारा हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसी पे काम कर रहा है और उसमें भी ये संविदा के लोग कुछ अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिसने ये वीडियो करी है और अगर ये सच्चाई मिलती है तो तत्काल इसकी सेवाएं समाप्त करने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। वहीं अब ये वीडियो वायरल होने के बाद CMO डॉक्टर AK
वर्मा ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि यूपी में अस्पतालों का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, कार्रवाई भी हुई है मगर अभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।